युवा कांग्रेस उदयपुरा लगातार राजनीतिक कार्यक्रम भाजपा सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके विरोध में उदयपुरा तहसीलदार महोदय को राज्यपाल के नाम भाजपा के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। भाजपा द्वारा लगातार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया गया, जबकि रविवार पूर्णतया मध्य प्रदेश बंद रहता है और गणपति पंडाल दुर्गा पंडाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यदि राजनीतिक कार्यक्रम निरंतर रहते हैं तो धार्मिक कार्यक्रम भी होना चाहिए, जिसमें यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम चौहान, योगेंद्र रघुवंशी, छत्रपाल राजपूत, राहुल प्रियंका गांधी सेना, जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, पुरुषोत्तम रघुवंशी, हितेश साहू, संदीप राजपूत, राजवीर रघुवंशी, अतीक खान आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या नाम है और आप लोगों ने किस संबंध में आज ज्ञापन दिया? नाम विक्रम चौहान है, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उदयपुरा। जो कानून का उल्लंघन किया जा रहा है उसके खिलाफ हमने शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया है। गणपति पंडाल पर पंडाल लगाने पर रोक लगाई गई है शासन ने, और शिवराज सिंह बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं, हजारों की जनसंख्या में लोग एकत्रित करके राजनीतिक हो रही है, उसके खिलाफ हमने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है और कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी है। संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया और आप लोगों को क्या मांगे और आप लोग क्या चाहते हैं? मेरा नाम अजय रघुवंशी है। हम सब युवा कांग्रेस के साथियों ने जो धार्मिक कार्यों पर रोक लगाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और अपने राजनीतिक कार्य लगातार चालू रखने, जैसे रविवार को मध्य प्रदेश पूर्णतः बंद रहता है, परंतु इनके द्वारा रविवार को ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, हजारों लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठी की जा रही है, बिना मास्क के लोग उस भीड़ में बैठते हैं, और एक धार्मिक दुर्गा पंडाल हुई, गणेश पंडाल हुए, इन धार्मिक कार्यों पर रोक लगाई जा रही है। ये सरकार अन्याय सिर्फ गरीब और इनको के साथ क्यों कर रही है? हम देखते हैं कि लाखों गरीब मूर्तिकार हैं, लाखों गरीब ब्राह्मण परिवार हैं, इनका परिवार सिर्फ इन धार्मिक महीने हैं, ये इनमें ही चलता है, और सरकार इनसे अन्याय कर रही है और अपना राजनीतिक चुनाव प्रचार जारी रखे। मध्य प्रदेश बेहाल और शिवराज सिंह माला माल, ये हाल मध्य प्रदेश का है।